उधर पाकिस्तान पर खैबर पख्तूनख्वा और दूसरे इलाकों में अफगानिस्तानी रिफ्यूजियों पर हो रहे अत्याचार को छिपाने का रुख लग रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तानी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को छिपाने के लिए यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी की एक टीम को पाकिस्तान का दौरा टाल दिया है और ये कहकर टालने को कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी हमले का खतरा है। पाकिस्तान ने इसके लिए आतंकी खतरे का अलर्ट भी जारी किया। यूएन की ये टीम पाकिस्तान में अफगानिस्तानी रिफ्यूजियों को देखने आने वाली थी। पाकिस्तान में अफगानी रिफ्यूजियों पर अत्याचार के आरोप लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश में है और इसलिए वो अफगानिस्तानी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को दुनिया से छिपाने की कोशिश में है और इसीलिए उसने यूएन की टीम को आतंकी खतरे का डर दिखाकर वहां आने से रोक दिया है फिलहाल। और ओपी तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। ओपी, और डिटेल जानकारी से जुड़ी हुई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, गाजा पट्टी के मसले को लेकर पाकिस्तान लगातार ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है और मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हकीकत कहीं इसके उल्टी है क्योंकि उनके उसके अपने देश में अफगानी मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर भी मुसलमानों पर जबरदस्त तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और अत्याचारों को कहीं उसकी बोल न टूट जाए इसके लिए यूनाइटेड नेशन की एक टीम वहाँ आने वाली थी, लेकिन उसने आतंक का खतरा दिखाकर फिलहाल टीम को आने से रोक दिया है। कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादी हमला कर सकते हैं, लिहाजा ये टीम यूएन की टीम पाकिस्तान न आए और इस अलर्ट को उसने अपने विदेश मंत्री के मुख्यालय तक पहुँचा दिया जिससे उसकी बोल ना टूट जाए। तो पाकिस्तान पर शरणार्थियों पर अत्याचार का आरोप लगा है, लेकिन इस अत्याचार को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने यहां नया पैंतरा चलाया।